अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर मारिया हेयर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स में क्या फ़र्क होता है, दोनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दोनों की ब्लीडिंग में क्या फ़र्क होता है, साइंस सिम्टम्स में क्या फ़र्क होता है। इसके लिए 2021 का ये कैलेंडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और पेशेंट की एग्जाम्पल जो उन्होंने मुझसे शेयर की है। सो फर्स्ट करते हैं कि किसी को पीरियड्स 4 मई को होते हैं, सो दिस इज़ द फर्स्ट डेट ऑफ द पीरियड्स। और अगर किसी का साइकिल 28 डेज का है तो नेक्स्ट टाइम पीरियड्स कब शुरू होने चाहिए? अबाउट 2 जून को, क्योंकि 2 जून को 28 डेज पूरे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम डे कैलकुलेट करें फ्रॉम 4th मई, अगर ये फर्स्ट डेट है तो 2 जून तक अगर हम काउंटिंग करें तो 28 डेज बनते हैं। पहली बात, अगर 28 डेज का साइकिल है तो ओवुलेशन के चांसेस मैक्सिमम कब होंगे? मैंने अपनी वीडियो में बताया था हाउ टू कैलकुलेट ओवुलेशन डेज में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, कि अगर साइकिल जितने भी दिन का हो उसमें से अगर हम 14 माइनस करें तो जो दिन बनता है उस दिन को मैक्सिमम चांसेस होते हैं ओवुलेशन के। सो अगर साइकिल 28 डेज का है और माइनस करें हम 14 तो आंसर आएगा 14। सो हमने क्या करना होता है कि इस 4 में 14 डेज को ऐड करना होता है, मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मीन 17th में ऐसी फीमेल का ऐसा दिन है जहां पर ओवुलेशन के मैक्सिमम चांसेस हैं। और इस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आपने 2 डेज ऐड करने होते हैं, 2 डेज माइनस करने होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे दिन ऐसे हैं जहां पर ओवुलेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इन्हें हम कहते हैं फर्टाइल डेज, मीन आपने फ्रॉम 15th मई टू 19th मई तक के डेज को यूटिलाइज करना होता है। सारे दिन रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑल्टरनेट, यानी 15th इस्तेमाल कर लें, 17th इस्तेमाल कर लें और 19th इस्तेमाल कर लें। अगर ऐसी फीमेल की ओवुलेशन 15th मई को हुई है और उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट 18th मई को हुआ है तो एग इतने दिन सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि एग की लाइफ 12 से 24 घंटे होती है। सो कम चांसेस होते हैं ऐसी फीमेल में प्रेगनेंसी के। इसीलिए मैं बहुत तफसील से और एग्जाम्पल से बताती हूँ कि आपको अपने ओवुलेशन डेज का पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ओवुलेशन डेज कैलकुलेट करने नहीं आते या मसला है या साइकिल थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो वीक में 2 to 3 डेज ज़रूर यूटिलाइज करें, एक दिन छोड़कर एक, ताकि मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी हो सके। सो पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई 18th मई को मिलता है और फर्स्ट करें उसकी ओवुलेशन 15th को हो गई है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। सेकंड चीज़, अगर किसी को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, अब ब्लीडिंग कब स्टार्ट होती है? अगर किसी की ओवुलेशन 15th मई को होती है और खावन से कॉन्टैक्ट जो है वो 15th या 16th को होता है, तो जैसे ही खावन से कॉन्टैक्ट होगा विद इन 15 मिनट फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फर्टिलाइजेशन के 6 से 12 दिन के अंदर अंदर वो जो छोटा सा बेबी है वो इम्प्लांट करता है यूट्रस में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की फर्टिलाइजेशन 15 या 16th मई को हुई है तो इम्प्लांटेशन अगर होगी तो ब्लीडिंग हो सकती है। और वो ब्लीडिंग कब होगी? कम से कम 6 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन के अंदर। तो कम से कम अगर 6 दिन की बात की जाए और यहाँ से आप काउंट करना शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 21 मई को भी ब्लीडिंग हो सकती है, 27 मई को भी ब्लीडिंग हो सकती है, 29 मई को भी ब्लीडिंग हो सकती है, 2 जून को भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब अगर किसी फीमेल को 27 मई को ब्लीडिंग होती है तो ये ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी या पीरियड्स की ब्लीडिंग होगी, हमें कैसे पता चलेगा? पहली बात, अगर किसी को 27 मई को ब्लीडिंग होती है और फर्ज करें कि पीरियड्स ही हैं तो ये नॉर्मल है कि 3-4 दिन पीरियड्स का पहले हो जाना। फिक्स साइकिल का मतलब ये नहीं होता कि हर बार 28 को ही पीरियड्स आएंगे, ये भी नॉर्मल होता है अगर 3-4 दिन पहले पीरियड्स आ जाए। इसीलिए
पेशेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमारा साइकिल बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है, हम कंसीव नहीं कर सक रहे, तो 2 to 3 days का जो फर्क होता है वो इतना खास फर्क नहीं होता। अगर किसी को पीरियड्स 27 को स्टार्ट होते हैं और पहला दिन उनका 4 मई था, तो साइकिल 24 डेज का बन गया। सो अगर आपकी लेंथ ऑफ साइकिल जितनी है, अगर उससे एक हफ्ता पीरियड्स पहले आ जाएं या एक हफ्ता बाद में आ जाएं, तो आपने उसको नॉर्मल ही कंसीडर करना है। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स में क्या फ़र्क होता है? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग रेयर होता है, यानी ऐसा कम होता है कि किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, अगर होगी भी तो वो जस्ट स्पॉटिंग होगी। ड्यूरेशन उसका कम होता है, मैक्सिमम 3 डेज तक स्पॉटिंग हो सकती है, वरना एक ही दफ़ा होती है। उसका कलर लाइट पिंक सा होता है और आफ्टर 3 to 5 days प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि पीरियड्स जो हैं वो हैवियर होते हैं, उनका ड्यूरेशन जाहिर सी बात है वो ज़्यादा दिन का होता है, ब्लीडिंग खुल के होती है, ब्राइट रेड इन कलर होती है और प्रेगनेंसी नहीं होती, तो इनमें ये वाजिया फ़र्क है। अगर किसी को स्पॉटिंग आज ही शुरू हुई है तो ऑफकोर्स वेट करना पड़ेगा 3 to 4 days का, और इससे साफ पता चल जाएगा कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड्स है। क्योंकि अगर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई तो 1-2 कतरे अगर वो 3 दिन तक भी चलें तो बस इतना ही चलेंगे, फिर खुद बखुद रुक जाएगी। लेकिन अगर वो पीरियड्स हुए तो प्रॉपर फ्लो के साथ जो है वो ब्लीडिंग होगी। इन पेशेंट के लिए मेरी ये एडवाइस है, क्योंकि इनका ये वाला साइकिल 24 डेज का था, मीन इनका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड 4 मई था, जबकि नेक्स्ट जो पीरियड, अगर ये पीरियड ही हैं जो 27 मई को स्टार्ट हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी लेंथ ऑफ साइकिल इस बार 24 दिनों की थी और इनके मैक्सिमम चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन 13, 14, 15 और 16 मई थे। सो नेक्स्ट टाइम जब ये अपने फर्टाइल डेज यूटिलाइज करें तो ये 10th डे से स्टार्ट करना शुरू करें, 10th डे से 18th डे तक ऑल्टरनेट डेज का इस्तेमाल करें। 27th अगर इनके पीरियड डे का फर्स्ट डे है इस बार, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 7 जून को ये फर्स्ट डे एटलीस्ट यूटिलाइज करें। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 15 जून एटलीस्ट की लास्ट डेट इस्तेमाल करें। तो अगर ये 7 इस्तेमाल करती हैं तो 9 इस्तेमाल करें, 11 इस्तेमाल करें, 14 और 15 इस्तेमाल करें, इस तरह से ऑल्टरनेट डेज एटलीस्ट ये इस्तेमाल करें ताकि मैक्सिमम चांसेस ऑफ कंसेप्शन हो। क्योंकि इस बार इन्होंने 18th इस्तेमाल किया जबकि लेंथ ऑफ साइकिल 24 डेज की थी, तो मैक्सिमम चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन तो थे ही 13, 14, 15 और 16 को, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादातर नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स।